महाशिवरात्रि के मौके पर खंडवा में एक ही जगह भगवान शिव के 12 स्वरूपों की झांकी बनाई गई है। वहीं अखरोट और किन्नू के फल से भी शिवलिंग बनाए गए हैं, जो लोगों के लिए खास आकर्षण का केंद्र बने हैं। श्रद्धालु यहां आकर दर्शन कर रहे हैं। हर साल यहां भगवान शिव के 12 स्वरूपों की आकर्षक झांकी बनाई जाती है। रिपोर्ट देखिए। खंडवा में महाशिवरात्रि के मौके पर एक ही स्थान पर 12 ज्योतिर्लिंगों की झांकी की स्थापना की गई है, जिसको बनाने में करीब 15 दिन लगे। वहीं अखरोट और किन्नू से भी शिवलिंग बनाए गए हैं। ये 12 ज्योतिर्लिंग और अखरोट का विशेष शिवलिंग बनाया है। परमात्मा इस धरा पर अवतरित हो चुका है, इसका विशेष संदेश देने के लिए यह हमने झांकी लगाई है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किन्नू का शिवलिंग भी बनाया है, तो 12 ज्योतिर्लिंग अखरोट और किन्नू का शिवलिंग बनाया है। इसको तैयार करने में वैसे तो एक 15 दिन से ये तैयार हो रहा है। हमारी सभी बहनों ने मिलकर के इसको तैयार किया है। 12 ज्योतिर्लिंगों की झांकी देखने के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, दर्शन लाभ कर रहे हैं और अपने को धन्य मान रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा। ब्रह्म कुमारी आश्रम में एक साथ मैंने 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन किया और सभी भाइयों ने और आदरणीय दीदी ने हमें आमंत्रित किए हैं, और इनका जो आध्यात्मिक जो एक प्रयोगशाला ऊपर बनी हुई है जीवन दर्शन के ऊपर, हमने उसको भी भ्रमण करके पूरा इन्होंने हमें समझाया बताया, तो बहुत अच्छा लगा, बहुत सुखद अनुभव हुआ। संस्थान की इस पहल से श्रद्धालुओं की खुशी का ठिकाना नहीं है। एक ही जगह पर भगवान शिव के 12 स्वरूपों की झांकी के दर्शन का अवसर जो मिल रहा है। महाशिवरात्रि के पर्व पर हम लोग शिव के दर्शन एक स्थान पर करने जाएं, लेकिन यहाँ पर भाग्योदय भवन में ब्रह्म कुमारी परिवार के द्वारा पूरे 12 शिवलिंग का हम लोग एक साथ दर्शन कर सके, इस तरह का सौभाग्य इन्होंने पूरे समाज को यहाँ पर प्रदान किया है। भगवान शिव के विशेष स्वरूप की झांकी 3 दिनों तक ऐसे ही रहेगी, जिससे ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन का लाभ उठा सकें। खंडवा से स्वप्निल के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।